हाय गाइस, क्या हाल है। आज हम आईफोन के ऐप स्टोर के साथ में एंड्रॉइड का प्ले स्टोर कंपेयर करने वाले हैं। देखते हैं कौन ज्यादा बेटर है। और तुम्हें पता है कि इस बारे में बहस होती रहती है मोस्टली एंड्रॉइड यूजर और आईफोन यूजर्स के साथ में, तो आज हम दोनों का ही कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड। सबसे पहले बात करते हैं कि किस स्टोर के ऊपर हमें ज्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्वांटिटी की बात करें तो क्लियर विनर है हमारा एंड्रॉइड, क्योंकि एंड्रॉइड के ऊपर आपको लगभग 2.87 मिलियन एप्लीकेशन मिलती है। आईफोन के ऐप स्टोर में आपको लगभग 1.96 मिलियन एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी। पर यहाँ पर देखा जाए तो एप्पल की जो एप्लीकेशन होती है उसमें वो क्वालिटी मेंटेन करके रखता है। यहाँ पर आलतू फालतू की एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलती है, और एंड्रॉइड में आपको बहुत तरह की आलतू फालतू की एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। अगर आप कुछ भी सर्च कर दोगे प्ले स्टोर के ऊपर तो आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन मिल ही जाएगी। और प्ले स्टोर के ऊपर गूगल सिक्योरिटी का एप्पल की तरह बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, एप्पल तो बहुत ज्यादा ध्यान देता है। प्ले स्टोर पर मैंने भी एक टाइम पर एप्लीकेशन अपलोड की थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी पर फिर भी हो गई थी एप्लीकेशन अपलोड। तो मैं बताता हूँ कि इसके लिए थोड़े से पैसे लगते हैं, लगभग $18 लगे थे, आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो यहाँ से आपको इतना पता चल चुका होगा कि प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन होती है वो आपको आलतू फालतू की एप्लीकेशन भी ज्यादा मिल जाती है, और ऐप स्टोर में जो भी एप्लीकेशन होती है एप्पल वाले उनको अच्छे से अप्रूव करते हैं और उसके बाद ही ऐप स्टोर पर आती है। तो सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा जाता है कि जो एप्पल का यूजर है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ज्यादा मस्ती की बात करें तो हमारा प्ले स्टोर, और पॉइंट टू पॉइंट अगर काम की बात करें तो हमारा ऐप स्टोर। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कौन सा बेस्ट है हमारे इंडियंस के लिए। और यहाँ पर मैंने कहा आलतू फालतू ऐप्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ऐप्स वो आलतू फालतू मतलब ऐसे ही हैं। यहाँ पर कुछ ऐप्स है जो कि मतलब मेरे जैसे मतलब कोई भी अपलोड कर देता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और बाकी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स की ऐप्स होती है ना वो दोनों में ही बढ़िया होती है और अच्छे से काम करती है। तो एंड्रॉइड के लिए भी अच्छी ऐप्स बनाती है कंपनीज, जेन्युइन ऐप्स होती है। अब दूसरे नंबर बात करते हैं ऐप साइज का, कितने MB और कितने GB की ऐप किसमें ज्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात आपको बताता हूँ, दोनों ही मैंने काफी टाइम तक यूज किया है। अगर हम मान के चलेंगे सेम एप्लीकेशन अगर प्ले स्टोर में 2 MB की, तो मोस्टली अगर आप आईफोन में सेम एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो कम से कम वो 7-8 MB की हो सकती है। कहने का मतलब ये कि अगर आप BGMI डाउनलोड कर रहे हो तो प्ले स्टोर में उसका साइज कम होगा और ऐप स्टोर पे वो एप्लीकेशन हैवी होती है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है डेटा के ऊपर, जो आपका मोबाइल डेटा या फिर आप वाईफाई यूज कर रहे हो वो ज्यादा यूज होगा। अगर आप आईफोन यूजर है एंड्रॉइड वाले तो आपका डेटा बच जाएगा, पर ऐप स्टोर की जो एप्लीकेशन होती है वो वेल ऑप्टिमाइज होती है और काफी अच्छे से काम करती है। यहाँ पर आपको बग ग्लिचेस वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, अगर देखने को मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं। और प्ले स्टोर का तो आपको पता ही है कि जो भी एप्लीकेशन होती है उनमें बीच बीच में बग एरर और प्रॉब्लम्स वगैरह देखना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉडल्स है और हर एक स्मार्टफोन के लिए ऑप्टिमाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से यहाँ पर बग एरर्स और प्रॉब्लम्स हमें ज्यादा देखने को मिलती है एप्लीकेशन के अंदर, और आईफोन में ये प्रॉब्लम बहुत ही ना के बराबर है। तो यहाँ पर दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान है। जैसे कि इसमें एप्लीकेशन का साइज ज्यादा होता है तो डेटा आपका ज्यादा लगता है, और इसमें थोड़े ऑप्टिमाइजेशन में कमी आ जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडल्स हो जाते हैं एंड्रॉइड में। बाकी आप अपना ओपिनियन भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है हमारा पेड एप्स। तो कहा जाता है कि आईफोन में सारी की सारी एप्स पेड होती है और एप्पल वाले पैसा कमाते रहते हैं। तो यहाँ पर एक जो मिथ है सबसे बड़ा कि आईफोन में एप्स पेड देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आपको फ्री में देखने को मिलती है वही एप्लीकेशन सेम आपको ऐप स्टोर में भी फ्री में देखने को मिल जाएंगी। मोस्टली आप मान के चलोगे 95% एप्लीकेशन आपको ऐप स्टोर में भी आपको फ्री में देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा कुछ एप्स होती हैं जो कि इन ऐप परचेज होता है। एग्जांपल के लिए आप उसे पहले फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसके बाद अंदर कुछ फीचर होते हैं, अगर आप उन एक्स्ट्रा फीचर्स को चाहते हो तो आपको इन ऐप परचेज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पिक्सआर्ट की बात करें तो पहले आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें अगर आप ज्यादा फीचर्स चाहते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ती है। तो सेम केस यहाँ पर दोनों में अप्लाई होता है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में भी। पर यहाँ पर सम टाइम कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिनमें इन ऐप परचेज थोड़ा सा महंगा होता है ऐप स्टोर में, और प्ले स्टोर में थोड़ा कम प्राइस में होता है। एक और बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारी BGMI ये बैटर गोल मोबाइल इंडिया, तो उसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो दोनों स्मार्टफोन में, पर उसके अंदर जो भी आप शॉपिंग करते हो तो उसके लिए आपके पैसे लगते हैं, तो उसे कहते हैं इन ऐप परचेज। तो दोनों में इस मामले में सेम ही होता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कोई कोई ऐप होती है जिसमें ऐप स्टोर में महंगा होता है। और यहाँ पर इसके अलावा तीसरे टाइप की एप्स होती है जिन एप्स को आप परचेज करके डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम माइनक्राफ्ट की बात करें तो दोनों में आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने दोनों में माइनक्राफ्ट सर्च किया है, पर यहाँ पर तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे ये आईफोन है और ये हमारा एंड्रॉइड फोन है, तो आईफोन में यहाँ पर 599 की ये गेम है और एंड्रॉइड में है 650 की। तो यहाँ पर महंगी हमें प्ले स्टोर पर देखने को मिल रही है, आईफोन में सस्ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों
और डेवलपर जो है वो सेम है, बस प्राइस का फर्क है दोनों में। तो यहाँ पर जैसे कि कहा जाता है कि ऐप स्टोर में ज़्यादातर ऐप्स वो महंगी होती है, ऐसा नहीं होता है। समटाइम एंड्रॉयड में आपको महंगी मिलेगी, समटाइम आपको आईफोन में मिलेगी, तो यहाँ पर दोनों का इस तरह के चला रहता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, एंड्रॉयड वाले प्ले स्टोर के बाहर जाके थर्ड पार्टी तरीके से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब तुम्हें पता ही है कि मोड एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करके इसमें आप ये इजीली नहीं कर सकते हो। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं कस्टमाइजेशन की। प्ले स्टोर में आपको बहुत तरह के एप्लीकेशन मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप अपने फोन का इंटरफेस, उसकी यूआई चेंज कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस ले सकते हो। और बात करें आईफोन की, तो आईफोन में आपको इस तरह के एप्लीकेशन ना के बराबर देखने को मिलती है। जो मिलती है पेड होती है, मतलब मोस्टली एप्लीकेशन पेड होते हैं, जिससे आप अपने आईफोन की एप्लीकेशन के आइकन वगैरह चेंज करने हो या फिर थीम चेंज करने, तो वो सब पेड होता है। हालांकि कुछ तरीके हैं पर वो ऐसे जुगाड़ू तरीके हैं, क्योंकि एप्पल बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखता है डेवलपर्स के ऊपर, तो उस वजह से आपको कस्टमाइजेशन वाले एप्लीकेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो लोग अपने फोन में कस्टमाइजेशन पसंद करते हैं, एक यूआई से बोर हो जाते हैं, उनके लिए तो प्ले स्टोर बेस्ट है। और बाकी एप्पल की जो यूआई है वो काफी स्मूथ रहती है, बैटरी स्मूथ परफॉर्मेंस देती है, तो मैं तो पर्सनली इससे बोर नहीं होता और मुझे अच्छी लगती है। बाकी आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो और उसके बाद अगर आप ऐप स्टोर पे आ रहे हो, तो यहाँ पर एक दिक्कत आती है, कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जो कि आपको ऐप स्टोर पर मिलेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। मिल तो जाता है वैसे, पर समटाइम आपको सेम एप्लीकेशन नहीं मिलती है क्योंकि ऐप स्टोर के लिए वो बनी नहीं होती या फिर एप्पल वाला परमिशन नहीं देता है उसे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं एंड्रॉइड यूज करता तो एक एप्लीकेशन थी जिसमें मैं फोटोज एडिट करता था, तो वो ऐप स्टोर में है ही नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा उस एप्लीकेशन का। और सेम ही कंडीशन आईफोन यूजर के साथ में भी होती है, अगर वो आईफोन को ड्रॉप करके एंड्रॉइड की तरफ आ रहा है, तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जो कि आपको सिर्फ ऐप स्टोर पर देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको ऐप स्टोर में एक एप्लीकेशन मिलती है वीडियो एडिटिंग के लिए, लूमा फ्यूजन करके नाम है उसका, और बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है। जैसे कि लैपटॉप में बहुत ही एडवांस लेवल के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी तरह की वो एक एप्लीकेशन है, पर थोड़ी सी कॉस्टली, लगभग 2000 की है, पर इस तरह की तगड़ी एप्लीकेशन आपको ऐप स्टोर पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर लास्ट में बात करते हैं कि कौन ज्यादा पैसा कमाता है, ऐप स्टोर वाले या फिर प्ले स्टोर वाले। यहाँ पर प्ले स्टोर में आपको ज्यादा एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, पर फिर भी यहाँ पर ज्यादा पैसे कमाने वाले हमारी एप्पल कंपनी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि एप्पल इस मामले में बहुत आगे मार्केटिंग में, मतलब इसकी स्ट्रेटेजी नेक्स्ट लेवल होती है। और बाकी आपको पता है कि प्ले स्टोर में आपको बहुत सारी एड्स देखने को मिल जाती है और ऐप स्टोर में भी एड्स देखने को मिलती है, पर यहाँ पर एप्पल की खुद की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जैसे यहाँ पर एप्पल आर्केडिया और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ती है, और उनकी मदद से भी एप्पल यहाँ पर काफी पैसे कमाता है, और एप्पल के जो डेवलपर्स है वो भी अच्छी खासी रकम कमाते हैं, उस वजह से यहाँ पर पैसे कमाने के मामले में हमारा ऐप स्टोर आगे है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के बारे में, और बाकी आप अपने राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कोई बात अगर बुरी लगी हो तो उसे इग्नोर कर देना। मैं तो आपके साथ किसी और वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।